डॉक्टर सुनैना मैम, मैं उनको वार्म वेलकम करती हूँ कि वो आए और अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में शेयर करें अपना नॉलेज. वेलकम मैम. थैंक यू सोनाली मैम. थैंक यू आदित्य सर, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया एंड थैंक यू. आई वेलकम ऑल फॉर आवर फर्स्ट सेशन ऑन अर्जेंटम नाइट्रिकम टुडे. थोड़ा सा हम आज पहले अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली द अर्जेंटम. जैसे हमने ऑरम भी किया ही था, तो इट इज सेड दैट इफ गोल्ड इज द किंग ऑफ द मेटल, सिल्वर इज द क्वीन ऑफ द मेटल्स. And when we say argentum, so it is compared to the moonlight. So when it glitters, so we called it as a half moon, right? So इस तरह से argentum को कहा गया है. तो when we see the argentum, तो इसी तरह से मतलब you know there's a name country called Argentina, और वो Argentina भी इसी they have derived this word from the argentum, that is silver. It is a kind of a country in the Latin America. And when we see that's a symbol of argentum, it is a argentum symbol is AG and it belongs to the group 1B in series 5. Okay, so wherein we see that in uska atomic number hai 47 and it is in the solid state. It looks a brilliant white. And silver, when we say, अगर आप group 1B में देखेंगे तो the first metal is copper, then is the argentum and then is the aurum. So you can see that silver is in close relation to the copper in its chemical and its pharmacological actions also. So when we see the physical property, जैसे हम सबने silver देखा ही होगा, हम लेडीज को भी सिल्वर के इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत शौक होता है और हम पहनते हैं ऑर्नामेंट्स उसका. तो इट इज वाइट, लस्टरस, सॉफ्ट एंड वी कैन इजिली मैलिएबल. तो वी कैन मेक दी ज्वेलरीज एंड मेनी काइंड ऑफ, आपको किचन में भी यूज के सामान मिलेंगे. हम भगवान के मीन्स वेसल्स भी यूज करते हैं. सो इट इज इजिली मैलिएबल. इट इज हाई, इट हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी. इट इज हेवियर देन द वॉटर and it is sonorous. Sonorous ka meaning kya hai? It is full, loud and deep. That is the meaning it is given and it's not a brittle. And you can see that the argentum ke hum agar remedies dekhenge to there are 16 compounds of argentum which have been used. Aur jiske bare mein most probably hum zyada use karte hain argentum metallicum or nitricum, but there are 16 compounds of argentum being there. Now when we see the argentum, we'll little bit go with the sphere of action. Ki argentum agar as a remedy dekhenge, to uska action kaha hota hai? Where is the location where it acts? So first and foremost is the mucous membrane. The mucous membrane, you will see, it affects the eyes, stomach, nose, mouth, pharynx, larynx, urethra, vagina. Now in main ye sab kyun bata rahi hu? Because when we see, जब हम माइंड में जाएंगे तो बट द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट विल कम विद सम ऑफ द फिजिकल कंप्लेंट्स. सो वी विल हैव एन आइडिया कि पेशेंट हमारे पास किस तरह से आएंगे, क्या कंप्लेंट्स लेके आएंगे, कौन से ऑर्गन्स पर उनकी एफिनिटी होगी. तो एट दिस लेवल यू विल सी देयर इज इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस एट द लेवल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स. देन द सेकेंड स्फीयर ऑफ एक्शन इज ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज यू विल सी ऑन ईयर्स, नोज, फॉल्स रिब्स, टार्सल कार्टिलेजेस, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. जहां पर हम देखेंगे देयर इज इन्फ्लेमेशन टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन. एट द लेवल ऑफ ग्लैंड्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्क्रोफिलस डायथेसिस है इसका. तो आपको ग्लैंड्स पे अफेक्शन दिखेगा. वेर इन यू विल सी देयर इज इंड्यूरेशन एंड द फैटी डिजेनरेशन सीन इन इट. यू विल सी द एक्शन ऑन द ब्लड. तो यू विल सी देयर इज अ डिफेक्टिव ऑक्सीडेशन. Therein you can see the patient is having anemia. At the level of skin you will see there is nodular vesicular inflammatory conditions you will see. And jo hum mostly hum sab jante hain ki its action is on the cerebrospinal system, right? So hum sabhi log jante hain ki the trembling aega, paralysis aega, इनसेंसिबिलिटी है, कन्वर्जेंस है. तो एट दिस लेवल ऑफ जैसे हम जब माइंड पे आते हैं तो ये सारी चीजें हमें दिखती है पेशेंट्स में भी. Correct. And if you see that Dr. Edward von Gravel ने इसको एक
कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन कहा है. नाउ व्हेन वी से अबाउट दिस वर्ड कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन मींस द पर्सन मींस इन दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू विल सी कि देयर इज कार्बन एंड नाइट्रोजन ज्यादा होता है इन द टिश्यूज एंड देयर इज लो ऑक्सीजन. सो व्हेन देयर इज लो ऑक्सीजन वी नो दैट दिस काइंड ऑफ तो वो पर्सनालिटीज कैसी दिखेगी. हाउ विल द अर्जेंटम पेशेंट लुक. What is though you will see that they are lean, thin, emaciated people. They are tall. जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये anemic होते हैं, wherein there is low oxygen in the body. So you will see anemic, pale face दिखेगा आपको इनका. And they are having an intellectual features are predominant, right? And you will see that they are broken down constitutions दिखेंगे. And these people will look more मतलब समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं. एजेड लुक आता है इनका. यू विल सी इन देम एंड व्हेन वी सी एट द लेवल ऑफ मायोसिन यू विल सी आपको साइकोटिक, ट्यूबरकुलर एंड सिफिलिटिक, ये तीनों मायोसिन इसमें दिखाई देते हैं. तो ये जो अर्जेंटम पीपल होते हैं हम प्रीडोमिनेंटली किस तरह के दिखेंगे कि ये बिजनेसमैन होते हैं. दे आर ब्रेन वर्कर्स मतलब वर्ड दिया गया है कि जैसे स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो मेंटली काम ज्यादा करते हैं, दैट काइंड ऑफ पीपल, रीडर्स हैं, टीचर्स हैं, दिस काइंड ऑफ पीपल विल बी देयर जहां पर हमको अर्जेंटम एज अ रेमेडी और अ ड्रग हमें दिखेगा. या जिनके केस में आप सोचेंगे कि हाँ अर्जेंटम कैन यू विल थिंक ऑफ द ड्रग अबाउट अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड अर्जेंटम ग्रुप इन दिस काइंड ऑफ पीपल. नाउ व्हेन वी कम टू द अर्जेंटम, अगर हम आप केंट में देखेंगे तो केंट ने एक बहुत ब्यूटीफुली कहा है कि अर्जेंटम इज सूटेड टू द इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्संस. सो व्हेन वी से द इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्संस मींस क्या, यू विल सी दैट इंटेलेक्चुअल फीचर्स आर प्रोमिनेंट. जैसे हमने प्रीडोमिनेंट हमने पहले ही कहा था, तो आप देखेंगे ये किस तरह के होते हैं कि जो मेंटल एबिलिटी इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, राइट right? और इनके पास इतने अबंडेंट आइडियाज होते हैं, they are full of ideas and quick ideas आते हैं और bright होते हैं और sharp minded people होते हैं. so when you see them they are talking उनके बोलने में और अब इस तरह से जब आप देखोगे तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत होशियार हैं. they will talk, their thinking is also so logical and you will see they will talk to you of very things which are often which is more than a normal conversation. आपका जैसा रहेगा वैसा नहीं लगेगा आपको. इनको लगेगा कि इनको बहुत they will have the one sec. They are very intellectual keen persons. So they will see, you will see that जैसे ऐसा बोलते हैं कि these people live in the head rather than in the feelings. That is what you will see in them. And they will talk to you about their conversation will be about intellectual discoveries and the unconventional thing. And they live in the world of the intellect. जैसे कि Dr. Philip Bailey ने कहा है कि the example he has given that they will talk about the colonization of the space, biorhythm, underwater birthing. मतलब ये सारी चीजें हैं जिसमें अब scientific study चल रही है, researches चल रहे हैं, discoveries चल रही है. तो इस तरह से उनका दिमाग चलता है, इस तरह से वो बातें करते हैं आपको आपके साथ. और तभी आपको ऐसा इतना जैसे आप देखेंगे तो enthusiasm बहुत होगा उनकी बातों में. एंड एट दैट टाइम आपको लगेगा कि फास्फोरस तो नहीं है. दैट इज द फीलिंग, दैट इज द वर्ड ही सेज इज इन्फेक्शियस. देयर एनर्जी इज इन्फेक्शियस. तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फास्फोरस तो नहीं है, इतना आसानी से बात कर रहे हैं और इस तरह से बात करते हैं आपके साथ, ओपनली बात करते हैं. So this thing you will see in them and there is eccentricity. Now when we see the word, what do you mean by eccentricity? Eccentricity का meaning होता है strangeness. Strangeness है उनकी बातों में. मतलब जब वो बात भी करेंगे ना तो आपको लगेगा कुछ अलग तरह से बात कर रहे हैं. ये बात करने का ही उनका तरीका अलग होगा, उनका mannerism, उनके बात करने में, उनके बोलने में, उनके उठने बैठने में भी आपको eccentricity दिखाई देती है. They are very open and forthcoming. They will not hide. और ये जो बातें रहेगी, जैसे मैं इसलिए बोल रही हूँ, उनका बात करना, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका आपके साथ बिहेवियर, वो भी आपको वेरी क्लियरली दिखेगा कि ये इंसान थोड़ा सा अलग है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है. यही चीज आपको
अर्जेंटम को अलग करती है हम बाकी के जितने भी रेमेडीज है जिससे हम कंपेयर करेंगे, जिसमें हमने एंजाइटी कंसिडर किया है, ये सारी चीजें है, तो उसमें जो स्ट्रेंजनेस है वो इसमें दिखाई देगा। अब स्ट्रेंजनेस अगर आप अर्जेंटम में देखेंगे तो कैसा दिखेगा कि एज वी सेड कि दीज पीपल हैव मेंटली प्रीडोमिनेंट होगा, राइट? तो इनका जब ये पॉजिटिव साइड में होंगे तो सब कुछ अच्छा दिखाई दिया आपको, एबंडेंट आइडियाज है, क्विक आइडियाज है, अच्छे से बात कर रहे हैं, पर जब इनका मेंटल डिस्टर्बेंस आएगा, राइट? नाउ व्हाट विल बी द मेंटल डिस्टर्बेंस फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल? जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम क्या आएगा जिसके वजह से ये अनस्टेबल होंगे? Kent has very beautifully given them कि उनको आएगा ब्रेन फैट, यानी कि इनको एग्जैक्टली आप जब देखेंगे अर्जेंटम को, हमने पहले कहा कि ये बिजनेसमैन है, स्टूडेंट्स है, राइट? तो ये लोग कैसे रहेंगे? मेंटल एक्सर्शंस, राइट? मेंटल थिंकिंग, मेंटल मतलब ब्रेन एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड लॉन्ग एक्साइटमेंट। तो ये पेशेंट्स में आपको दिखाई देगा कि जब दे आर परफॉर्मिंग, उनको परफॉर्म करना है, उनको जो टास्क दिए हैं, वी से दैट अर्जेंटम्स आर गुड परफॉर्मर्स, राइट? तो जब उनको टास्क दिए हैं तो वो टास्क अच्छा करना है, उनको बेस्ट करना है, उनको तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा थिंकिंग होगी, तो वो एक्सर्शन ऑफ माइंड दैट विल बिकम द एलिमेंट्स फ्रॉम, दैट इज द एलिमेंट्स फ्रॉम, जैसे केंट ने कहा है कि देर इज ब्रेन फैट, there is exertion of mind, there is long excitement in them, and even he has said ki there are actors who are appearing well in public, to wo long standing hai, kafi time tak unko karna hai, to is wajah ye banta hai unka ek elements from wherein you will see that there is this first, humne pehle hi kaha tha ki inka mental state aata hai, to wo first mental state affect hoga inka. And then this mental state, when it gets affected, along with that, you will see they will have weakness. अब जब हमने पहले कहा था कि nervous temperament के लोग होते हैं ये, तो उनमें weakness दिखाई देगी, आपको trembling दिखाई देगी, palpitation है, paralysis है, throbbing है. अब ये सारी चीजें इस mental state के साथ है. So you will see that this state comes, and then you will see that nervous state में आएगा patient. पहले मेंटल स्टेट में गया, फिर नर्वस स्टेट में आएगा, एंड देन यू विल सी देयर आर द डिसऑर्डर्स ऑफ माइंड एंड बॉडी कमिंग इनटू द पिक्चर. यानी कि जो मैं पहले आपको स्फीयर ऑफ एक्शंस बता रही थी, आईज, कार्टिलेजेस और ये सब जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये सारी चीजें बाद में आएगी, लेकिन पहले आपको ये मेंटल स्टेट दिखाई देगा और नर्वसनेस दिखाई देगी. So now I'll go to one more thing. जैसे हमने बहुत बार या हमें usually everybody knows कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का main elements from क्या होगा. So elements from you will see very commonly rubric, अगर आप देखेंगे तो rubric में भी दिया है बहुत अच्छे से कि these person have the elements from and aggravate, if you see, mental and emotional consequences of anxiety with, right, trembling with, and easily, ये सारे elements from दिखाई देगा आपको इनमें, right? This is you will see in them elements from. Now यहाँ पर कैसा दिया है इन्होंने कि you will see anger में, if you see elements from anger, mental and emotional consequences, anxiety with, anger with. Now this you will see, ये सारी चीजें अर्जेंटम में दिखाई देती है आपको. एंड मेन एलिमेंट्स फ्रॉम, जैसे हमने वही कहा था, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेज फ्राइट, राइट? यू विल सी इन द रूब्रिक एंटिसिपेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन, मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेज फ्राइट, सिंगर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स इन. ये सारे हम एलिमेंट्स फ्रॉम मैक्सिमम हम सब जानते ही हैं, वही मैं कर रही हूँ कि ये किस तरह के एलिमेंट्स फ्रॉम है जब ये पेशेंट के सामने आए और वो इस मेंटल स्टेट में जाते हैं आफ्टर दिस एलिमेंट्स फ्रॉम. इंगेजमेंट फॉर एन एग्जामिनेशन फॉर, ओके, इज इट क्लियर? तो ये सारे एलिमेंट्स फ्रॉम हम सभी लोग जानते हैं कि ये स्टेट आती है जब ये एलिमेंट्स फ्रॉम आते हैं, और ये एलिमेंट्स फ्रॉम के बाद पेशेंट क्या स्टेज में जाएंगे, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो अभी?
हम सब जानते हैं इसमें काफी सारी चीजें. आई एम नॉट गोइंग टू टेल समथिंग न्यू, बट जस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इट एंड प्रॉपर मैनर कि हम उसको समझ सके. क्या स्टेट में आते हैं हमारे पास पेशेंट फिर, या हमें क्या देखा है हमने अर्जेंट में? यस एनीबॉडी? एंग्जायटी. राइट, वेरी गुड. और नर्वसनेस. करेक्ट. राइट, तो जैसे हमने देखा कि इस स्टेज में आने के बाद जब नर्वस स्टेट आएगी पेशेंट को तो क्या होगा, तो उसके अंदर आता है एंजाइटी आएगी, फियर आएगा. राइट, और इसमें और एक चीजें देखेंगे हम जो नेगेटिव साइड इसमें आता है, या हम लोग बोलते जैसे एक पॉजिटिव साइड देखा हमने और एक नेगेटिव साइड देखेंगे. तो यहाँ पर इसके अंदर आएंगे अभी डिल्यूजन्स या इम्पल्सिवनेस और इरेटिसिटी. ये मेंटल स्टेट में अभी आ जाएगा वो पेशेंट, और एंटिसिपेटरी एंजाइटी जैसे हमने अभी कहा था. तो यू विल सी दैट कि एक चीज और काफी अच्छे से बताई गई है रूब्रिक्स में, अगर आप स्टडी करेंगे इनके बारे में, तो ये बच्चों के केस में भी हम बहुत अच्छे से, जैसे अभी मैंने पहले ही कहा था राइट, कि हम ये पेशेंट कैसे रहेंगे, ऑलवेज हमने कहा कि स्टूडेंट्स हैं. तो अब ये स्टूडेंट्स में क्या आएगा, किस तरह से स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन आपके सामने आ सकता है. अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आज हम वो एरा में हैं जहां पर हम सब बच्चों को क्या बोलते हैं, आप और हम भी बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, कितने मार्क्स लाने हैं, एग्जामिनेशन फंक्स मैम, सॉरी एग्जामिनेशन फंक्स होता है, डर होता है एग्जामिनेशन. करेक्ट, पर हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आज, आप और हम भी, इसी हम सब पेरेंट्स में से कोई ना कोई पेरेंट तो होगा ही होगा ऐसा जो बोलेंगे कि हमारे बच्चों पे हम पढ़ाई का कितना प्रेशर देते हैं, परफॉर्मेंस का कितना प्रेशर देते हैं हम. तो हमारे पास इस तरह से भी बच्चों का प्रेजेंटेशन आता है, और इस तरह से मेंटल फेज में भी बच्चे आते हैं हमारे पास, कि जहां पर बच्चों से हम परफॉर्मेंस की एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर वो बच्चे भी खुद से करते हैं कि हाँ हमें मेहनत करनी है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसीलिए वो बच्चे और मेहनत करते हैं. एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि आप खुद भी जानते हैं, सारे बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं क्या, इज इट पॉसिबल कि क्लास में सारे बच्चे फर्स्ट आए? हेलो नहीं ना, तो एग्जामिनेशन के पहले उसको एंटीसिपेशन होता है पेरेंट्स की वजह से, और एक रूब्रिक भी है एंटीसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर, इसमें अर्जेंटिनम भी है. राइट, एंटीसिपेशन एंजाइटी वो तो हमने लिया ही है मैम. हम मेरा कहना ये है कि रिजल्ट आ गया, वो तो आप एग्जामिनेशन का एक पॉइंट हुआ, अब रिजल्ट आ गया है, अब मार्क्स सबको आया, फर्स्ट आया क्या हर कोई? नो no. नहीं, तो क्या होता है पेरेंट्स फिर बोलते हैं ना, अरे तेरे इतने कम मार्क्स आए, 99 नहीं आए, 100 नहीं आए. नर्वसनेस आता है, नर्वसनेस. हाँ, तो यहाँ पर बच्चे को क्या फील आता है कि ही इज नॉट अप्रिशिएटेड. आप रूब्रिक देखिए, डिल्यूजन इमेजिनेशन अप्रिशिएटेड दैट शी इज नॉट, ये भी एक कारण बनता है. मैं आपको ये है ना, अभी जो मैं बता रही हूँ, आई एम टेकिंग यू टू द डिफरेंट लेवल्स एट द डिफरेंट पीपल, जहां पर हमको अलग अलग तरह से पेशेंट का प्रेजेंटेशन मिलेगा विद दिस पॉइंट. ओके, ये भी एक कारण बन जाता है बच्चों के केस में जब आप देखेंगे कि डेल्यूजन अप्रिशिएटेड दैट शी इज नॉट, अरे मैंने इतनी मेहनत करी, फर्स्ट नहीं आ पाया, तो पेरेंट्स ही बोल दिया अरे ये तो तू फर्स्ट आया ही नहीं. आर यू गेटिंग इट? सो ये एलिमेंट्स फ्रॉम में आपको दिखेगा कि उसको बाद में दिखे लगेगा ही ना बच्चे को कि मैंने इतना किया लेकिन आई एम नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड. अगर किसी को डाउट है तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें सबको देखना है कि कैसे अर्जेंटम एक एज अ पर्सन जो पहले कैसे डेवलप हुआ वो बच्चों में भी, कैसे ये स्टेट आया वो बच्चों में. ओके, सो डिल्यूजन इमेजिनेशन अप्रिशिएटेड दैट शी इज नॉट, डिल्यूजन
एक और डिल्यूजन आप देखेंगे इसमें, डिजर्टेड फॉर सेकंड, उसको लगता है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरे मम्मी पापा मेरा ध्यान ही नहीं देंगे, या मैं तो इतने कम मार्क्स लाया हूँ इसलिए वो मेरा ध्यान नहीं देंगे, मैं अकेला पड़ गया हूँ. दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट चाइल्ड कैन गेट इट. डिल्यूजन डिस्पाइज्ड इज, डिस्पाइज्ड का मीनिंग होता है लुक डाउन ऑन विद डिसडेन. ओके, सो यू आर, बच्चे को हम नीचा दिखा देते ना, देख उसको तो कितने मार्क्स आए, तुझे तो नहीं आए, तेरे से तो हुआ ही नहीं, तू तो कर ही नहीं सका. तो इस तरह से फीलिंग आती है बच्चों में. सो दिस इज व्हाट यू विल सी. अब ये जब स्टेज में जाएगा बच्चा, तो ये एक एलिमेंट्स फॉर्म भी बन जाता है और जिसके वजह से ये डिल्यूजन आएगा, एंड देन डिल्यूजन दैट ही कैन नॉट सक्सीड. और धीरे धीरे जब ये स्टेट बढ़ेगी, तब हमने जैसे कहा था कि एक एंजाइटी आएगी, एक डिप्रेशन आता है, मतलब सॉरी नॉट डिप्रेशन, यू विल सी द फियर इन देम. और वो फियर का क्या मैनिफेस्टेशन आ सकता है, या उसका एंटिसिपेशन का, एंजाइटी का क्या मैनिफेस्टेशन आपके सामने आएगा, कि जो यू विल सी दैट देयर आर वेरियस काइंड ऑफ डिल्यूजंस जो आपको इसमें दिखाई देते हैं. द पेशेंट गोज इनटू दैट स्टेट ऑफ डिल्यूजंस. नाउ डिल्यूजन कैसा आएगा उसको, दैट द चेंज्ड एवरीथिंग इज. नाउ हमने कहा ना नेगेटिव साइड में जाता है, तो नेगेटिव साइड में क्या होगा, उसको लगता है कि सब कुछ बदल गया है. और बहुत अच्छा रूब्रिक दिया है, क्लाउड्स क्लाउड एनवेलप्ड हर हेवी ब्लैक. हेवी ब्लैक क्लाउड ने उसको एनवेलप कर दिया, मतलब वो पूरा तरह से वो क्लाउड, मतलब आप समझ रहे हैं, एनवेलप मतलब एक जैसे ढक दिया जाता है ना, तो उसके नेगेटिव जो माइंड है वो ब्लॉक हो गया है और वो पूरी तरह से काले बादलों से ढका गया है, अब उसको कुछ नहीं दिख रहा है. सो ये काइंड ऑफ नेगेटिव फेज में वो चला जाता है. यू विल सी दिस. अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप इसमें देखेंगे, जो स्पेसिफिकली हमें अर्जेंटम में दिखता है, कि देयर इज अ फियर ऑफ हाइट्स, राइट, फियर ऑफ हाइट यू विल सी इन देम. फियर दैट क्रश्ड ही इज हाउसेस बाय, उसको ऐसा लगता है उसके ऊपर बिल्डिंग गिर जाएगी. Is the group with me? Yes, madam. Yeah. So this is the thing what you will see in them. You will also see that the enlarged distances are enlarged. He is enlarged objects are. Okay. और negative fate में जैसे अभी मैंने कहा था succeed cannot. फेल एवरीथिंग विल, राइट. फिर उसको ये भी फील आता है नेगेटिव में, फॉलिंग ही इज बेड आउट ऑफ. ओके, सो इस तरह से नेगेटिव फेज में जाता है. और केंट ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक मेंशन भी किया है कि इसको एक अजीब सा फ्यूअर भी आता है. आई रीड इट इन द वर्ड्स ऑफ द केंट विच इज वेरी ब्यूटीफुली बीन गिवन. You will see that. One sec. Right. तो जब हमने ये देखा कि सबसे पहली चीज अफेक्ट क्या हुई यहाँ पे, जब नेगेटिव साइड में पेशेंट गया तो उसका डिस्टर्बेंस इन मेमोरी होती है, मतलब वो भूलने लगता है, उसे कुछ याद नहीं रहता है, फॉरगेटफुल हो जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है अभी, एंड वही कंफ्यूजन के वजह से वो इरेशनल बातें करने लगता है, जो उसके एक्शंस में भी दिखेंगे, उसके बिहेवियर में भी दिखेंगे. अब जैसे मैं आपको वही कह रही थी, आई कम टू द पॉइंट ऑफ इसेंट्रिसिटी. तो जैसे हमने कहा था ना, स्ट्रेंज है, और वो इरेशनल चीजों में ना स्ट्रेंज तरह से बिहेव करता है, तो स्ट्रेंज कंक्लूजन आते हैं, तो कुछ फुलिश थिंग्स करने लग जाता है, और इसी के ऊपर से हम अभी डिल्यूजन्स और इस सब की बातें कर रहे हैं. तो केंट ने क्या कहा है कि इसके बाद, when you see that, he is tormented by in his mind by the inflowing of this troublesome thoughts. अब ये चीज उसके अंदर दिमाग में आ रही है कि बाबा बिल्डिंग गिर जाएगी, या मैं सक्सीड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फेलियर्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती है और ये उसको ट्रबलसम कर, टॉर्मेंट कर देती है, इवन एट द नाइट टाइम. तो इस वजह से आप अभी जैसे हम बोल रहे थे ना, एंजाइटी स्टेट में जाता है.
अब जब पेशेंट एंजाइटी स्टेट में जाता है तो वो क्या करने लगता है, दिस एंजाइटी ना पुट्स हिम इनटू हरी एंड इन अ फिजिट स्टेट. तो यू विल सी व्हाट केंट हैज गिवन इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर. ही गोज आउट एंड वॉक्स एंड वॉक्स. The faster he walks, the faster he thinks he must walk, and he walks till fatigued. तो ये आपको दिखेगा मतलब उसको क्या लग रहा है कि मैं fast चलूँ, anxious हो गया है तो वो fast चलने लगता है. Fast चलता है तो उसको लगता है नहीं मुझे और fast चलना है, और fast चलता है तो और fast चलते चलते फिर वो थक जाता है. अब ये क्या है, isn't it strange, right? तो दैट इज वॉट इज. तो स्ट्रेंज नोशन आते हैं, स्ट्रेंज आइडियाज आती है और फियर उसके दिमाग में आने लगता है. और इसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक एक इम्पल्स है, दैट इज गोइंग टू हैव अ फिट और दैट इज गोइंग टू हैव अ सिकनेस. कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, या मुझे अभी फिट्स आने वाले हैं, या मुझे अभी कन्वर्जन आने वाले हैं. ओके okay? तो ये स्ट्रेंज थॉट उसके दिमाग में आता है. और जब भी व्हेन इफ ही गोज पास्ट अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट ही विल क्रिएट अ सेंसेशन दैट वो इट विल फॉल डाउन, ही विल फॉल डाउन एंड ही विल हैव अ फिट एंड सो ही अवॉइड्स टू गोइंग बाय दैट ब्लॉक. तो ही अवॉइड्स पास्ट दैट कॉर्नर फॉर द फियर दैट ही विल डू समथिंग स्ट्रेंज. अब ये जो समथिंग स्ट्रेंज है ये है उसका इम्पल्सिव नेचर जो हमें अर्जेंटम में बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है, बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है उसका इंपल्सिवनेस. राइट, इज इट ग्रुप विथ मी? यस मैडम. क्लियर है? कुछ डाउट्स, कुछ एनीथिंग? नो नो. राइट, ओके. सो व्हेन यू सी द इंपल्सिवनेस इन देम, तो ये इंपल्स, सबसे इंपॉर्टेंट इंपल्स क्या देखते हैं हम, या हमने कहा पढ़ा भी होगा, सबसे इम्पोर्टेंट इम्पल्सिवनेस जो अर्जेंटम में दिखता है, टू जंप फ्रॉम अ हाइट. राइट सर. सो इम्पल्सेस टू जंप व्हेन लुकिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट, उनको इस बात का डर लग जाता है कि हमें इम्पल्स आएगा अगर ऊपर टॉल बिल्डिंग में होंगे, ऊपर से अगर खिड़की से नीचे देखेंगे तो उनको लगता है मैं भी कूद जाऊंगा. और वो डर, वो इम्पल्स इतना स्ट्रांग होता है कि दे रियली फील दैट दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट. So they try to avoid that circumstances and they behave in such. तो वही मैं बोल रही हूँ ना, वो eccentricity, जो strangeness है ना, ये उनके behavior में आपको दिखेगी. तो वो जाएंगे ही नहीं, ऊंची बिल्डिंगों में नहीं जाएंगे, ऐसे रस्तों पे नहीं जाएंगे, ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगे कि उनको ऐसा मालूम है कि वो इम्पल्स आएंगे और फिर मैं हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो कुछ हो गया, तो कुछ कर लिया तो हमने. सो दैट इज द फियर ऑफ इंसैनिटी यू विल सी इन देम. Okay, so these all kind of things coming up into the picture. Now, anxiety is felt when looking at the tall buildings, right? So, इसमें हमको rubrics भी बहुत अच्छे-अच्छे हैं इसमें. If you see in the repertory, जैसे हमने अभी यही कहा था ना कि buildings और ये सबसे उसको लगता है, और बहुत beautiful rubric इसमें दिया, देखिए. House on each side are approaching and will crush him. Hope changed everything at home has. House projects fears running against them. इस तरह से उसको ये सारी fears, anxieties आने लगती है. और rubric भी देखिए इसमें दिया है, insane become that she will. ये सारे delusions में है. जैसे मैंने अभी कहा ना, फियर ऑफ इंसैनिटी है, तो यू विल सी इवन डिल्यूजन्स इनसेन बिकम दैट शी विल. और भी देखिए काफी सारे रूब्रिक्स है. अगर आप डिल्यूजन्स में ही जाएंगे तो यू विल कम टू नो, जैसे मैं पहले भी बता रही थी, देखिए, रूम्स वॉल क्रश हिम विल रन्स अगेंस्ट समथिंग, देयर इज अ डिल्यूजन सिक ही इज. एंड जैसे अभी कुछ रूब्रिक्स जो मैं पहले स्टेट की बताई थी वो भी है, देखिए, सक्सीड दैट ही कैन नॉट, डज एवरीथिंग रॉन्ग, और वो भी स्टेट की देखिए, देर इज अ लॉस्ट सैल्वेशन फॉर, देर इज अ रूब्रिक, देर इन डिल्यूजन लॉस्ट सैल्वेशन फॉर वर्ल्ड टू द बियॉन्ड द होप.
ना, ये सब उसके नेगेटिव फेजेस के, उसके सब ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलने लग गई है, ये बातें उसको आने लग गई है। जैसे अभी मैंने जो भी एग्जाम्पल बच्चों का दिया था कि वो स्टेज में आ गए कि जब उनको डिस्पाइज कर दिया गया, उनको डिसडेन कर दिया हमने, और अब वो ये सब सोचने लग गए कि वो लॉस्ट हो गए हैं, और उसी हिसाब से कि दे हैव लॉस्ट सेल्वेशन फॉर वर्ल्ड टू द बियॉन्ड होप, इस तरह से वो चले जाते हैं। देन यू विल सी दैट दे आर निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड ही इज शी इज, Neglected, he is, she is despised by his family and, यानी दोनों फीलिंग दिया है कि फैमिली ने उसको डिस्पाइज्ड भी कर दिया, उसको नीचा भी दिखा दिया है, और निग्लेक्टेड भी फीलिंग आ रही है। ओके, सो दिस वे यू विल सी दैट ये पेशेंट में आपको ये नेगेटिव साइड में आने लग गए हैं, ये और इसेंट्रिक बिहेवियर हो गया, इनका एंजाइटी आ गई, इरेशनल बिहेवियर आ जाएगा, स्ट्रेंज थिंग्स करने लगेंगे, स्ट्रेंज कंक्लूजन्स करेंगे, एंड दिस पीपल विल हैव स्पेसिफिक वे ऑफ ड्रेसिंग आल्सो। यू विल सी दैट इन्होंने कहा है, मतलब फिलिप बेली ने कहा है कि दिस पीपल हैव अ वेरी वेल मैच्ड एंड दे विल इंडिकेटेड स्टाइल एंड एसेटिक अपीयरेंस होता है इनका, पर वो एसेटिक अपीयरेंस में ना थोड़ा सा अलग उन्होंने ऐसा दिखाया है कि पेशेंट जो था एक सर्कस में काम करते थे, बट वो सर्कस का जो हरकुलिन सूट होता है ना वही पहन के वो जॉब पर भी आ गए। सो इट्स समथिंग डिफरेंट, मतलब वो आपको देखेगा कि स्ट्रेंज लगा ना ये, सो दैट थिंग यू विल सी, मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर इनमें आपको दिखाई देता है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट इज जो हम देखेंगे कि डायरेक्टली हमें मिलेगा, दैट फियर ऑफ दैट अभी टॉल बिल्डिंग, दैट द बिल्डिंग विल फॉल ऑन देम, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया, दैट इज सेंस, ये सब हमने रेपर्टरी में हमने यही सब देखा, एंड यू विल आल्सो सी द क्लॉस्ट्रोफोबिया में नैट्रम्यूर में भी एक प्रेजेंटेशन है। अभी मैं रेमेडीज का डिफरेंशिएशन पे नहीं जा रही, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज ऑल द थिंग्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द अर्जेंटम मैप, एंड ही हैज आल्सो सेड दैट दे हैव एन वेरी इंटेंस फियर और फियर ऑफ पीपल, राइट। अब जैसे अभी हमने यही कहा ना कि निग्लेक्टेड कर दिया गया है उसको, और वर्ल्ड में अभी हैज लॉस्ट फॉर द सल्वेशन, राइट, तो इसी में उनको क्या लगता है कि अब ये दुनिया हमारे लिए नहीं बची है, ये दुनिया मेरे लिए सेफ प्लेस नहीं, सॉरी द वर्ल्ड इज नॉट द सेफ प्लेस फॉर मी, एंड सो दे हैव अराइज इन फीलिंग ऑफ पैरानोइया, दैट इज अ फियर ऑफ पीपल, दे ट्राई टू अवॉइड गोइंग इन टू द क्राउड। और उसी में फिलिप ने कहा है, एक उनका केस बताया है उन्होंने, एक यंग पेशेंट उनके पास आए थे, वो नर्वस टेम्परामेंट के थे, वो डॉक्टर से बात कर रहे थे, और सडनली बात करते करते उन्होंने बात करना बंद कर दिया फॉर फ्यू सेकेंड्स, तो तब समझ में आया डॉक्टर को कि वहां से उनके केबिन के बाहर से कोई गुजरा था वहां से, तो उसको क्या लगा कि वो हमारी बातें सुन रहा है, मेरी और डॉक्टर की बातें सुन रहा है, पेशेंट को ऐसा लगा, तो उसने बात करना सडनली बंद कर दिया, एंड ही सडनली वॉक आउट ऑफ द कंसल्टेशन रूम विद वेरी ग्रेट एजिटेशन, एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ही केम बैक, एंड देन ही अपोलोजाइज्ड टू द डॉक्टर दैट ओ सॉरी आई एम नॉट अ करेक्ट पर्सन और दैट आई एम अ बैड पर्सन, आई शुडंट हैव बिहेव्ड लाइक दैट, सो दिस इज अ स्ट्रेंज इन द वेयर। अब उसने ऐसे क्यों किया, दैट्स व्हाट डॉक्टर फिलिप सेज दैट बिकॉज ही फील्स दैट वो आदमी ने हमारी बात सुन ली है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी वियर्ड बिहेवियर, द इम्पल्सिव बिहेवियर यू विल सी इन देम, एंड इन दैट वी विल सी दिस काइंड ऑफ फियर इन देम, एंड ऑल्सो क्लॉस्ट्रोफोबिया भी दिखाई देगा और आपको इसमें एगोराफोबिया भी दिखाई देगा, मतलब दे हैव एन एंजाइटी ऑफ गोइंग आउट इन द वाइड ओपन प्लेस, राइट, जस्ट हमने अभी जैसे डिस्कस किया था, इवन गोइंग आउट इन द दे विल फील दैट द बिल्डिंग्स विल फॉल डाउन ऑन देम, एंड दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज देयर इन देम,